मोहब्बत इंसानों को हो जाती है, लेकिन मोहब्बत की मंजिल सड़क, पार्क या होटल का कमरा नहीं, बल्कि निकाह इज्जत और घर की चार दीवारी है। दिल का सुकून चाहते हो तो लोगों से छुप के लोगों की मदद करना शुरू कर दो। रहने वालों से नहीं, जाने वालों से पूछो कि जिंदगी क्या है। पाने वालों से नहीं, खोने वालों से पूछो कि इज्जत क्या है। तमीज से बात कीजिए, इज्जत मुफ्त में मिलेगी। इल्म एक दरख्त है, अल्फाज उसके पत्ते हैं और अमल उसका फल है। इज्जत जितनी दोगे मोहब्बत उतनी गहरी होगी। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज्जत के बिना बेकार है। सोना नरम हो तो जेवर बनता है, मट्टी नरम हो तो खेत बनती है, आटा नरम हो तो रोटी बनती है, और आदमी का दिल नरम हो तो इंसान बनता है। दोस्त वो है जो दोस्ती का हक दोस्त की गैर मौजूदगी में अदा करे और गैरों की महफिल में उसकी इज्जत की हिफाजत करे। जिंदगी में झूठ बोलना छोड़ दीजिए, फिर देखें बात में असर और दुआओं में कबूलियत कैसे आती है। अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो तो अपनी जुबान को नर्म और अपने इखलाक को हमेशा बुलंद रखो। इज्जत के मोती पर जरा सा भी मैल आ जाए तो सैकड़ों दरिया भी उसे धो नहीं सकते। जो मोहब्बत इज्जत देकर सजाई जाती है, यकीन मानो वो हमेशा निभाई जाती है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते। जो इंसान आपको इज्जत और मोहब्बत दोनों दे सकता है, उससे ज्यादा परफेक्ट आपके लिए कोई नहीं। अरूज का नशा और जवाल के थप्पड़ बर्दाश्त करना हर किसी के बस का रोग नहीं। दो किस्म के लोग कभी भी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक चापलूस दूसरा मुनाफिक। मुनाफिक की निशानी ये है कि वो दूसरों के ऐब टटोलता है। मोहब्बत के बहुत से रंग होते हैं, लेकिन मोहब्बत में सबसे खूबसूरत रंग इज्जत का होता है। मर्द की इतनी वफा काफी है कि चार बीवियों का हक रखते हुए भी जिंदगी एक के साथ गुजार देता है। मुसलसल अहमियत और इज्जत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदर और बदमिजाज रहें तो रहने की बेहतरीन जगह हदूद है। ये फितरत है हम इंसानों की, मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं कर पाते, मिल जाए तो कदर नहीं कर पाते। सच्ची इज्जत और ऊंचा मकाम सिर्फ अच्छे काम से हासिल होता है। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत हो, लेकिन अगर मुखलिस रहना नहीं जानता तो कचरा है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे या मुफाद की तवक्को नहीं होती। हया तब तक ही बाकी रहती है जब तक वो अल्लाह की कायम करदा हदूद पार नहीं करती। एक औरत की इज्जत करना उसको खूबसूरत कहने से बेहतर है। रोशनी की उम्मीद रखो, मगर उम्मीदों पर जिंदगी मत गुजारो।
जिंदगी क्या है? गरीब ने कहा जिंदगी दुखों का नाम है। अमीर ने कहा जिंदगी बहुत हसीन है। मुसलमान ने कहा जिंदगी इबादत का नाम है।